अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों आज मैं आपसे यहां पे बात करने वाला हूं कि अगर आप एक स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं या बाय करने वाले हैं, मार्केट जाने वाले हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो डिवाइस आपको बाय करनी है वो ओरिजिनल है, जेन्युइन है या फिर कोई फेक डुप्लीकेट या कोई क्लोन डिवाइस है। उस डिवाइस का IMEI नंबर ओरिजिनल होगा या कोई फेक IMEI नंबर होगा, उसे आप कैसे टेस्ट आउट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सर बताएं कि जब किसी डिवाइस को बाय करने जाएं तो कैसे टेस्ट करें कि वो डुप्लीकेट है या जेन्युइन है। तो मैंने सोचा ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि मैं जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप दोस्तों को बता दूं, ताकि आप जब भी कोई यूज्ड में डिवाइस को बाय करने जाएं, कोई किट फोन को बाय करने जाएं या फिर किसी न्यू फोन को भी बाय करने जाएं, तो कौन कौन सी मेन चीज़ें आपको चेकआउट करनी है डिवाइस की ऑथेंटिसिटी को टेस्ट आउट करने के लिए कि डिवाइस ओरिजिनल है या डिवाइस डुप्लीकेट है, ताकि आपके एक तो पैसे ज़ाया ना हो, दूसरा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो सिंपली हैशटैग बबलू लाहौरी लगाना है आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हर एक को उसके कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। और आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक्स, तो हमेशा की तरह 200 लाइक्स को भी पूरा कर देना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां पे मैं क्विक शाउट आउट देना चाहूंगा अपनी आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर्स को। ये वीडियो स्पॉन्सर की है होस्टिंगर ने। होस्टिंगर बेसिकली वेब होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है, इनके अलावा भी काफी सर्विसेज हैं इनकी, लेकिन मेनली ये वेब होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो काफी अच्छी अफोर्डेबल और रीजनेबल प्राइस टैग के साथ आपको होस्टिंग की सर्विसेज इस टाइम पे मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। अप टू 91% ऑफ चल रहा है इनके आल जो ईयरली होस्टिंग प्लान है उनके ऊपर। ये लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा, आप इस लिंक पे जा सकते हैं या कूपन कोड यूज कर सकते हैं बबलू, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप डिस्काउंट को अवेल कर पाएंगे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहां पे होस्टिंगर के बैक ऑफिस का एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता हूं कि होस्टिंग को परचेज करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस डिस्प्ले के अंदर आएंगी। तो ये बैक ऑफिस है मेरा, यहाँ पे मैंने जो प्लान परचेज किया है वो प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग वाला प्लान है। इसके आगे आपको एक सेटअप का येलो सा बटन नजर आएगा, आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको डोमेन सेटअप करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन अवेलेबल है आप उसके साथ जा सकते हैं, या आप नई डोमेन बाय करनी है तो आप इनसे बाय कर सकते हैं। बाकी तीसरे स्टेप के ऊपर आपकी वेबसाइट के जो फर्दर स्टेप्स हैं वो आपको पता चलते जाएंगे। अभी मैंने तो कोई डोमेन सेटअप नहीं करनी। और अगर वापस बैक ऑफिस में आए तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन है वो बिजनेस ईमेल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को अप्रोच करने का, ये एक फॉर्मल वे है। और तीसरे नंबर पे जो SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेशन है वो आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, उसे और ज्यादा सिक्योर करने के लिए। तो अगर आपको अपने लिए एक कोई वेबसाइट डेवलप करनी है, कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, कोई वेबसाइट डेवलप करनी है या गेमिंग वेबसाइट बनानी है या कोई टेक ब्लॉग बनाना है, आपको डेफिनेटली एक रिलायबल होस्टिंग सर्विसेज की जरूरत होगी, तो आप होस्टिंगर की तरफ दे सकते हैं। बाकायदा इन्होंने मुझे होस्टिंग का एक अकाउंट प्रोवाइड किया था जिसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, और डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं ऑनेस्टली फॉर देयर क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस टैग के साथ ये जो होस्टिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। 91% ऑफ है ऑल ईयरली होस्टिंग प्लान्स के ऊपर, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों जब आप एक डिवाइस को बाय करने जाते हैं तो जाहिर है आपने जाके सबसे पहला काम यही करना है कि डिवाइस का जो एक फिजिकल ओवरव्यू है वो आपने लेना है कि डिवाइस पे कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं है, कोई डिवाइस ओपन तो नहीं है, कहीं पे रिपेयर तो नहीं हुई, कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। तो ये चीजें तो नॉर्मल यूजर भी कर लेता है जाके चेकआउट करने के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो इसके आगे वाला स्टेप है, आपने फोन का डायलर ओपन करना है और एक कोड डायल करना है, जो एक नंबर डायल करना है *#06#। जी हाँ, मुझे पता है कि आप में से काफी दो जो वीडियो देख रहे हैं वो कह रहे होंगे कि यार ये तो हमें पता है, ये क्या बताई जा रहा है। तो जब आप ये कोड को एंटर करेंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा डिवाइस के डिस्प्ले के ऊपर। ये जो 15 हिंसों का नंबर है ये एक यूनिक आईडी है, IMEI नंबर है जो आपकी डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, और यही नंबर आपको बताएगा कि आपकी डिवाइस ओरिजिनल है या कोई फेक डिवाइस है। पहले तो आपने इसको PTA अप्रूव्ड वाला जो सिस्टम है पाकिस्तान में चल रहा है वो आपने तसल्ली कर लेनी है कि डिवाइस PTA अप्रूव्ड है या नहीं। आपको तरीके पता होंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि आप तीन तरीकों से टेस्ट कर सकते हैं। एक तो SMS कर सकते हैं, जो IMEI नंबर है उसे आपने सेंड करना है 8484 पे, SMS करें, आपको तस्दीकी मैसेज आ जाएगा कि आपकी डिवाइस अप्रूव्ड है PTA से या फिर नहीं है, आपको टैक्स पे करना है या नहीं, या फिर आप एंड्रॉयड की जो ऐप है वहां से चेकआउट कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि डिवाइस आपकी PTA अप्रूव नहीं है या नहीं है। तो ये तरीका था एक तो PTA अप्रूवल का चेक करने का। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना है www.imei.info।
info. जी हाँ, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जब डिवाइस का IMEI नंबर जो आपने *#06# डाल करके वहाँ से फैच किया था, वो जब आप यहाँ पे डिवाइस को एंटर करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर, तो ये वेबसाइट उस डिवाइस की A to Z हर चीज़ आपको बता देगी. फॉर एग्जाम्पल, आपको बताएगी कि डिवाइस का ब्रांड कौन सा है, डिवाइस की जो मैनुफैक्चरर है वो कौन सा है, किस साल के अंदर मैनुफैक्चर की गई है, उसकी जो सारी स्पेसिफिकेशन टाइप डिटेल हैं वो आपको मिलेंगी. अब ये है कि आपने जो डिवाइस अपने हाथ में पकड़ी है, जिसका IMEI नंबर आपने निकाला है कोड डायल करके, उसे जब आपने उस वेबसाइट के ऊपर जाके टेस्ट किया, डिवाइस की जो डिटेल उस वेबसाइट के ऊपर आई और आपके हाथ में जो डिवाइस है, ये अगर डिटेल्स मैच होती हैं तो इट मीन्स कि जो आपने डिवाइस बाय की है या बाय करने वाले हैं या बाय करना चाहते हैं, वो एक ओरिजिनल और जेन्युइन डिवाइस है. अगर इन केस आपने जो डिवाइस चेक कर रहे हैं जिसके बारे में, जिसका IMEI नंबर है, वो डिवाइस कोई और है और वहाँ पे कोई और डिटेल आ रही है उस वेबसाइट के ऊपर, तो फिर आपको पता है कि डिवाइस आपकी फेक है, या जो डिवाइस आप बाय करना चाहते हैं तो आपको केयरफुली उस डिवाइस की तरफ नहीं जाना, वो एक फेक या क्लोन डिवाइस होगी. एग्जांपल मैं आपको एक शो करवाता हूँ. मेरे पास एक डिवाइस है, LG का फ़ोन है, LG G6, उसका मैं आपको बताता हूँ कि वो एक फेक डिवाइस है. यानी डिवाइस तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो IMEI नंबर है वो एक फेक IMEI नंबर को फिट किया गया है. जैसे ही आप IMEI.info वाली वेबसाइट के ऊपर होंगे, वो मैं फ़ोन का जब IMEI नंबर एंटर करूँगा, तो ये डिटेल आप मेरे पास आ रही यहाँ पे कि ब्रांड क्यू मोबाइल, मॉडल G6 है और ये फोन LG का G6 इस टाइम पे मेरे हाथ में है. तो मतलब ये है कि इस फोन के जो IMEI नंबर है उसके साथ छेड़छाड़ है, बिकॉज कोई किट फोन होंगे, ब्लॉक होंगे, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे 1500 या 2000 देख के इलीगल तरीके से जो IMEI नंबर को मैनिपुलेट किया जाता है, चेंज किया जाता है. तो ये केस आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें आपको लाजमी टेस्ट करनी है, बिकॉज जब आप एक डिवाइस को बाय करने जाते हैं तो जो सेलर है वो आपको मौके पर दिखा देगा कि डिवाइस ये देखिए PTA अप्रूव्ड है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन जब तक आपने इस वेबसाइट से टेस्ट आउट नहीं ना करना, आपको नहीं आइडिया होगा अच्छे से. बाद में एक माह बाद, दो माह बाद जाके आपकी डिवाइस का जो स्टेटस है अप्रूवल वाला, वो जाके डिसअप्रूव में चेंज हो जाएगा, तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा. और मेरे पास यहाँ पे एक और डिवाइस है, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्विकली उसका भी जाके IMEI जो इन्फो वाली वेबसाइट है वहाँ पे टेस्ट आउट करा देता हूँ. ये रेडमी नोट 5 प्रो है इस टाइम के ऊपर मेरे पास. इसका जब मैं IMEI नंबर उस वेबसाइट पे एंटर करूंगा और उसको चेक पे क्लिक करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल के जो ब्रांड है वो शाओमी है, फोन का जो नाम है वो है रेडमी नोट 5 प्रो, और ये यहाँ पे साइड के ऊपर राइट साइड पे आपको डिटेल्स वगैरह नजर आ रही होंगी इससे फोन से रिलेटेड, कि कितने GB वाला वेरिएंट है या जो भी इसके अदर डिटेल्स हैं. तो ये एक वेबसाइट है, आप एक तो जब PTA अप्रूव्ड वाला सीन चेक करते हैं वो भी लाजमी करें, और उसके साथ अपना जो फोन है उसके अंदर ये वेबसाइट जरूर ओपन करके उस डिवाइस का जो IMEI नंबर है उसे एक बार एंटर करके जो उसकी ऑथेंटिसिटी है वो जरूर चेक कर लिया करें, बिकॉज कहीं पे फोन के अंदर फेक IMEI नंबर को यूज तो नहीं किया गया जो, या IMEI नंबर है वो ओरिजिनल है, जो डिटेल्स वेबसाइट के ऊपर हैं और जो आपके हाथ में फोन है वो मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिवाइस ओरिजिनल है, चाहे वो कोई आईफोन हो, चाहे वो कोई एंड्रॉयड फोन हो. तो ये जो मेथड है ये हर चीज के ऊपर वर्क करता है, बिकॉज दोस्तों आजकल का जो टाइम है वो डिजिटल क्राइम का सीन चल रहे हैं आजकल, और हर किसी को चूना लग सकता है. तो बी केयरफुल, कोई बाय करें, कोशिश करें वो डिवाइस को बाय करें जो बॉक्स मैच्ड IMEI के साथ मिल रही है, यानी डब्बे के ऊपर भी IMEI हो और डिवाइस के अंदर भी वही IMEI शो हो. तो ऐसी डिवाइस की तरफ जाएं अगर आप किसी यूज फोन को भी बाय करने वाले हैं. और अगर कोई फोन आपको बहुत ज्यादा सस्ती प्राइस के अंदर मिल रहा हो, यानी ऐसा फोन हो जिसकी प्राइस वैसे तो बहुत ज्यादा हो मार्केट में लेकिन आपको बहुत सस्ती प्राइस के ऊपर मिल रहा है, तो बी केयरफुल के बाय करें, उसे अच्छी तरह टेस्ट करें, PTA अप्रूव्ड हो, IMEI वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां से IMEI को वेरीफाई करें कि डिवाइस ओरिजिनल है या फेक है, ताकि आपका पैसा भी वेस्ट ना हो और आपको परेशानी का सामना भी ना करना पड़े. तो दोस्तों ये थी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बताना बहुत ज़रूरी थी. आई होप के आप में से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को पता होंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे यूज़र हैं जिन्हें ये चीज़ें भी पता नहीं होती और फिर वो जल्दबाजी में कोई गलती कर बैठते हैं और अपने पैसे को भी वेस्ट कर बैठते हैं और डिवाइस भी वो फेक ले बैठते हैं. तो ये उन यूज़र्स की अवेयरनेस के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी आप कह सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.